रोमन रेंस फिर से पिट गए, डॉल्फ जिगलर ने आखिर क्यों किया कोफी किंगस्टन पर अटैक और टाई डिलिंजर ने ज्वाइन किया AEW को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की स्मैकडाउन काफी जोरदार रही क्योंकि दोस्तों वहां हमें एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला जो कि था डॉल्फ जिगलर का। डॉल्फ जिगलर अपनी वापसी किए और वहां दोस्तों वो अटैक किया आपके कोफी किंगस्टन के ऊपर, लेकिन ये अटैक क्यों हुआ और क्या इसके पीछे का सच्चा रीजन था ये हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस डॉल्फ जिगलर के अनुसार ये अटैक उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कोफी किंगस्टन जो है उनकी जगह डॉल्फ जिगलर को होना चाहिए था, यानी कि डॉल्फ जिगलर होने चाहिए थे WWE चैंपियन और कोफी किंगस्टन एक तरीके का उनका स्पॉट लिए हुए हैं। लेकिन दोस्तों सच कुछ और ही है। तो सच क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों केविन ओवेंस ने WWE को मना कर दिया कि वो सुपर शोडाउन के अंदर फाइट नहीं करेंगे क्योंकि जो केविन ओवेंस के परम मित्र है यानी कि सेमी ज़ेन वो बैन है सऊदी अरेबिया के अंदर। अब वो बैन क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल सेमी ज़ेन जो है वो सीरियन मुस्लिम है और सीरिया के लोगों का सऊदी में परफॉर्म करना यानी कि आना एक तरीके से बैंड है और वहां दोस्तों वो इसी के चलते नहीं आ सकते क्योंकि सऊदी और सीरिया के बीच में विवाद है। और केविन ओवेंस ने मैनेजमेंट को यह कहा कि अगर उनका सच्चा दोस्त यानी कि सेमी नहीं आ रहा है तो वो भी नहीं आएंगे, जिसके चलते WWE हो गया पैनिक और उन्हें वापस लाना पड़ गया डॉल्फ ज़िगलर को। लेकिन ये काफी अच्छा डिसीजन था क्योंकि अब फाइट काफी लेजिट लग रही है, काफी अच्छा प्रोमो वहां आपके डॉल्फ ज़िगलर ने काटा भी और काफी मजा आने वाला है। लेकिन अब आप रियल रीजन जान चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन अब हम चलते आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है टाई डिलिंजर से। जी हाँ दोस्तों, एक काफी बड़ी खबर है, टाई डिलिंजर ने ज्वाइन कर दिया है AEW को। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल टाई डिलिंजर WWE को छोड़ने के बाद अपना नाम चेंज कर चुके हैं और इसका रीजन यह है कि टाई डिलिंजर जो नाम है वो WWE की प्रॉपर्टी है। अब टाई का नाम है दोस्तों शॉन स्पियर्स और शॉन स्पियर्स की कंफर्मेशन आज AEW ने दी। AEW वालों ने उनकी एक वीडियो पोस्ट की है जिसके अंदर दोस्तों टाई डिलिंजर दिखते हैं टेबल के ऊपर, कसिनो टेबल के ऊपर वो बैठे होते हैं और एक कार्ड वो दिखाते हैं जिसके ऊपर 10 लिखा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि 10 उनका सिग्नेचर एक तरीके से कैच फ्रेज है, परफेक्ट 10 आप जानते हैं। और अब दोस्तों 21 मैन जो बैटल रॉयल होने वाली है AEW के अंदर उसका वो पार्ट होंगे। तो गाइस काफी बड़ी खबर है, WWE का एक बड़ा सुपरस्टार WWE को छोड़कर जा चुका है। हालांकि वो इतने भी बड़े नहीं बने थे लेकिन दोस्तों वो ऑडियंस में काफी ओवर हो चुके थे एक समय पर, तो कहना पड़ेगा कि WWE के सुपरस्टार्स WWE को छोड़ रहे हैं, रीजन बहुत बड़ा है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस आज रोमन रेंस फिर से पिट गए, तो रीजन क्या रहा वो मैं आपको बताता हूं। रीजन रहा दोस्तों वहां शेनो मैक, तो मैंने आपको पहले बताया था ये चीज हो सकती है और ये चीज हुई। हालांकि दोस्तों आज जो मैच था वो था आपके रोमन रेंस वर्सेस अलायस के बीच में और ये मेन इवेंट के अंदर रखा गया था। ये मनी इन द बैंक का रीमैच था। इस मैच के अंदर दोस्तों शेन ओ मैक रिंग साइड पर खड़े थे लेकिन दोस्तों रोमन रेंस का उन पर कोई भी असर नहीं होता है, रोमन रेंस इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन होता क्या, उसके बाद शेन ओ मैक उन पर धावा बोल देते हैं लेकिन रोमन रेंस दोस्तों वहां काफी डटकर हमला करते हैं दोनों के ऊपर और शेनो मैक को तो दोस्तों पछाड़ ही देते हैं। लेकिन क्या देखने को मिलता है कि ड्रू मैकइंटायर जो कि रॉ के प्लेयर है वो वाइल्ड कार्ड रूल के तहत वहां आ जाते हैं और पीछे से क्लेमोर किक लगा देते हैं बिग डॉग को। बिग डॉग हो जाते हैं ध्वस्त और वहां देखने को मिलता है कि शेन और ड्रू मैकइंटायर स्मैकडाउन के खत्म होने तक खड़े रहते हैं। तो गाइस यहां जो भी है एक तरीके से मैच को बिल्ड किया जा रहा है और जो ड्रू मैकइंटायर है वो शेनो मैक के बॉडीगार्ड बने हुए हैं और रोमन रेंस को बस यही चिंता सताई जा रही है कि वो आखिर कैसे इन दोनों का सामना करेंगे हर एक एपिसोड के अंदर। अगले एपिसोड के अंदर यानी कि रॉ के एपिसोड के अंदर फिर से दोस्तों आपको ये चीज देखने को मिल सकती है कि शेनो मैक के साथ खड़े रहे ड्रू मैकइंटायर। लेकिन मुझे लगता है कि रोमन रेंस इसका कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे और शायद अगली रॉ के अंदर द मिज उनके साथ हो। पर दोस्तों आज की वीडियो इतनी सी थी, तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना मत भूले, ज्यादा पसंद आई हो तो अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।